दोस्तों नमस्कार, श्रीकाल आदाब। मैं आदिल खान एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में हमारे चैनल बन लेकर बनो भोपाल की आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद है मोस्ट टैलेंटेड पर्सन मिस्टर इमरान खान जी, और जैसा कि आप जानते हैं एक यूट्यूबर भी हैं, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं। जैसे कि आप पिजन्स की सारी वीडियो देखते हैं भोपाल पिजन्स के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप भोपाल पिजन्स को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और हाँ, बहुत से लोगों ने कर रखा होगा, लेकिन जो नए लोग देख रहे हैं वो भी हमारे भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये जो आपके स्क्रीन में चल रहा है भोपाल पिजन, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बनो भोपाल की आवाज़ में। आदिल भाई, इमरान भाई, जैसे कि हम जानते हैं आपके बारे में कि आप एक सर्जन भी हैं, ये अपना वुंड सर्जरी जो है आप उसमें भी अपना सहरी देते हैं, साथ में एक बहुत अच्छे एक यूट्यूबर भी हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं माशाल्लाह चैनल के ऊपर। वो काफ़ी लोग आपको ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही जानते हैं आपको। वो काफ़ी लोग आपके ताल्लुकात वाले भी ऐसे हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, इतनी व्यस्त लाइफ के अंदर आपने ये शौक किया कबूतरबाजी का, ये शौक आपको किस तरह लगा? ये देखिए, तो शौक जो होता है, जो कबूतरबाजी का शौक है, आप भी जानते हैं कि बचपन से होता है एक तरीके का ये शौक। ये बचपन का शौक है तो बीच बीच में अप एंड डाउन आते रहते हैं, ख़त्म भी हो जाता है फिर चालू भी हो जाता है। लेकिन जब आप एक पोजिशन में पहुँच जाते हैं तो शौक को भी अंजाम दिया जाता है। तो शौक जो था बचपन से था, लेकिन बीच में ख़त्म हुआ जॉब की वजह से। उसके बाद जब ये मकान वगैरह ले लिया तो फिर शौक वापस हुआ, शौक वापस हो गया। खैर, माशाल्लाह आपको कबूतरों की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी उस्तादों के साथ आपके ताल्लुकात भी हैं। वो सबसे पहली चीज़ तो हम आपसे जानना ही चाहेंगे, आप हमेशा लोगों से जानते हैं कि आपका उस्ताद कौन है, तो हम जानना चाहेंगे पहले कि आज आप बताएं कि आपके उस्ताद कौन है। जी आदिल भाई, जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं उनका नाम है जनाब आगा अब्दुल अलीम साहब, और जो मेरे दादा उस्ताद हैं वो हैं उस्ताद अरमुगर इलाही साहब, जो कि बेसिकली पाकिस्तान से हैं लेकिन वो फ्रांस में शौक करते हैं और फ्रांस में रहते हैं, वहीं से उन्होंने जनाब आगा अब्दुल अलीम साहब को उस्तादी दी थी और फिर उनके साथ मैं जुड़ा था, तो मेरे को शागिर्दी में लिया उन्होंने। तो इमरान भाई, किस तरह के कबूतरों का आप शौक़ रखते हैं, किस तरह के कबूतर आप रखना अपने पास पसंद करते हैं? ये जो शुरुआती शौक़ था वो तो सिर्फ ग्रेबाज से हुआ था, और यहाँ पे भी जब से चालू करा था तो सिर्फ ग्रेबाज का शौक़ था। लेकिन जब कबूतर उड़े मेरे, तो सबसे ज़्यादा जो परवाज़ दिखाई वो एक काशनी जोड़ने दिखाई थी मेरी, जिसकी वजह से मैं अलीम भाई से जुड़ा मैं, और उसके बाद जो काशनी का शौक़ हुआ तो काशनी का शौक़ चला आ रहा है, और साथ में कल्सरों का शौक़ है मेरे को खास तौर पर। कल्सरों काशनी का काफ़ी खासा शौक़ आप रखते हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने YouTube पे आपका चैनल भी है, काफ़ी माशाल्लाह पॉपुलर है, तो क्या आपने उस वक्त सोचा था कि आप YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे और आज भी माशाल्लाह इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे आप? एक्चुअली हुआ क्या था, 2002 के अंदर जब मैं भोपाल आया था, उसके बाद 2005 में शायद ये मकान ले लिया था मैंने, तब मैंने स्टार्टिंग में जो नीचे मेरी जगह है तो वहाँ पर थोड़े से छोटे उसमें कबूतर रखे थे, फैंसी भी थे उसके अंदर, ग्रेबाज भी थे, सब मिक्सचर था उसके अंदर 15-20 कबूतरों का। तो नया शौक चालू हुआ था दोबारा, तो मैं सर्च करता था, गूगल पे सर्च करता था पिजन्स के नाम से, भोपाल पिजन्स के नाम से, तो उस पर कुछ कबूतर नहीं आते थे। जैसे पहली बार जो नज़र आए थे वो हमारे सद्दाम भाई हैं, एक सब जानते हैं भोपाल के अंदर, तो उनके एक छोटी सी क्लिप नज़र आई थी, तो उसको देख के मैंने भी अपनी क्लिप डाली। तो सबसे पहले जो दोस्ती हुई सद्दाम भाई से हुई, फिर वो क्लिप डालते डालते हर बार क्लिप डालता था, फिर छत पर जब आए कबूतर तो उसकी भी मैंने क्लिप डाली, और सिर्फ 2 मेगापिक्सल मोबाइल था मेरे पास, उससे मैं क्लिप बना बना के डालते रहता था। तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़े, लोगों ने पसंद करा, कमेंट आए, तो फिर अपडेट होता गया वो कि अब डालते हैं, और अल्लाह ताला ने फिर सक्सेस दी कि मेहनत करी, लगातार वीडियो बना के डालते गए अपन, तो ये हुआ। तो इमरान भाई, जैसे आपके कबूतरबाजी का शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज भी आपको कबूतरों के बारे में बहुत ज़्यादा है जी, क्या हम मान सकते हैं आप जिस तरह की वीडियो बनाते हैं कबूतरबाजी की, तरह तरह के उस्तादों के पास जाते हैं, क्या उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है जिस वक्त आप वीडियो बनाते हैं? देखिए, होता क्या है कि जब जो क्वेश्चन मेरे दोस्तों के रहते हैं, मेरे रहते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनका आंसर मेरे को पता होता है लेकिन मुझे बताने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उस्ताद नहीं हूँ जो बताऊँ। तो जब किसी उस्ताद से वो क्वेश्चन करते हैं अपन, या जो मेरे को भी नॉलेज नहीं है वो क्वेश्चन करते हैं, तो अपन को भी नॉलेज गेन होती है। अगर वो आंसर सही देते हैं तो बिल्कुल दिमाग में फिट बैठता है, तो अपने डाउट सारे क्लियर होते चलते हैं उसमें चले जाते हैं, क्योंकि अपने दिल के भी जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर होते हैं, और जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछते हैं, तो जो बातें होती हैं उनमें एक बात नहीं जुड़ के सामने आ जाती है, तो ये क्वेश्चन का आंसर और आंसर पर फिर एक और आंसर मिलता चले जाता है अपन को। आज ये है कि भोपाल के लोग के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको जानते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कबूतरबाजी से रिलेटेड कि किस तरह की कबूतरबाजी करना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है लोग जो है चीटिंग वगैरह भी करते हैं कबूतरबाजी में, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे देखिए, कबूतरबाजी तो ऐसी चीज़ है कि एक परिंदा है, पर है, उसको देख के अच्छे अच्छों की नीयत खराब हो जाए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, लेकिन इंसान जब धीरे धीरे अपने आप अपडेट होता जाता है, जब किसी की शागिर्दी में आता है
तब उसे नॉलेज होती है कि कबूतर की कोई वैल्यू नहीं है, नॉलेज की वैल्यू है। क्योंकि नॉलेज उसके पास होगा तो कबूतर अपने आप खुद घर में खुद बना लेगा वो एक कबूतर से ही, और अगर नॉलेज नहीं होगा तो ज़िंदगी भर खरीदता रहेगा या दूसरे कबूतर पकड़ता रहेगा। तो ये है कि कबूतर उड़ाएँ अपन, और अगर आप भाई साहब उस्ताद नहीं बना पा रहे तो कबूतर उड़ाएँ आप खूब अच्छे से उड़ाएँ, तो वो कबूतर ही आपको कई चीज़ सिखा देंगे और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरे को दूसरा का नहीं मेरा खुद का कबूतर जब जाता है तब कैसा फीलिंग होती है, तो दूसरे को भी वैसी फीलिंग आती है, ये अंदर से हो जाता है। तो ये है कि किसी का कबूतर छत पे आ भी गया है तो उसको हाथ ना लगाएं, कबूतर को अंदर जा रहा है जाने दें उसे, और जिसका है उसको बुला के खुद हाथ से पकड़ के दे दें, सबसे बड़ी ईमानदारी ये होती है। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या कबूतरबाजी के अंदर उस्ताद शागिर्दी का चलन बहुत ज़्यादा है, क्या कबूतरबाजी में किसी का उस्ताद होना ज़रूरी है, क्या तभी कोई मुकम्मल कबूतरबाज बनता है? देखिए होता क्या है कि जो नॉलेज होती है वो उस्तादों ने मेहनत कर करके लिए, क्योंकि उस्तादी ऐसे नहीं मिल जाती कि आज मैं हूँ मेरे कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं 10-10 घंटे उड़ रहे हैं तो मैं अपने आप को उस्ताद कहने लगूँ। तो इसका ये जो प्रॉपर सीक्वेंस चला आ रहा है तो वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो अच्छा है, वरना गली गली में उस्ताद तो जो है मोतीवाल से बनी जाते हैं उस्ताद आजकल। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके कबूतरों का शौक करेंगे, आज आप किस तरह के कबूतर हमें शौक कराने वाले हैं? देखिए मैं आपको 3 या 4 जोड़ों का शौक करा, कीजिएगा। जी हाँ, ये टिप इसकी काशनी है, देखिए अभी बस हमें तो नज़र आ रही है इसमें टिप जो है काशनी है, शायद आपको भी नज़र आ रही होगी। ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं इमरान भाई के घर के, ये पैर देखें आप माशाल्लाह बहुत ही उम्दा पैर है। इमरान भाई अब कौन से पैर का आप शौक करा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? आदिल भाई ये मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक जोड़ लगाई थी और उसके मैंने लगातार 3 पट्टा पट्टी लिए थे और टूर्नामेंट में उड़ाए भी थे। ये कबूतर सर्दियों के अंदर 1.5 रोज तक बराबर उड़ा था मुसलसल, तो इसका नाम ही मैंने 1.5 रोजा कबूतर कर दिया। 1.5 रोजा, चलिए एक बार इनकी आँख का शो करा दें हमारे व्यूवर्स को। तो देखें व्यूवर्स, जैसे कि इमरान भाई ने बताया 1.5 रोजा जो किसका नाम रखा गया है, आँख देखते तो लग रहा उसका नाम 1.5 रोजा नहीं कम से कम 5 रोजा होना चाहिए। चलिए ठीक है इमरान भाई, मादन का शो करा दीजिए हमें। ये इसके 5वीं झोली। अच्छा ये भी हरे कंटे के बाजरे खिलाते हैं या कलसिरों में से? इमरान भाई ये घेरे बाजरे बोलता हूँ मैं तो उन्हें। अच्छा आप घेरे बाजरे बोलते हैं। माशाल्लाह एक चीज देखी मैंने आपके जोड़ों की आंखों में खासतौर से कि जो चमक है वो काफी ज्यादा है माशाल्लाह इन कबूतरों में। और जो उस्ताद ने सबसे ज्यादा मेहनत करी है वो परों पे करवाई है। परों पे किस तरह की मेहनत थोड़ा सा बताएंगे आप? क्योंकि उड़ान जो होती है वो परों से होती है, उड़ान परों से होती है। कबूतर के अगर 52 पर अच्छे हैं 52 पर अगर अच्छे हैं
500 कबूतर परवाजी कबूतर है। 52 पर की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया, तो 52 पर किस तरह कबूतर हम गिने जाते हैं? 52 पर इस तरीके से गिने जाते हैं, ये 20 पर ये होते हैं टोटल मिला के, 10 मेन पर और 10 ये बगल के पर, और 10 इस साइड के पर, 10 साइड 40 और दुम के अंदर 12 पर। तो ये 52 पर की कबूतरबाजी हो गई। 52 पर के कबूतर जो होते हैं अच्छे उड़ते हैं ये कबूतर। बाकी पर क्रॉस लग जाता है, मिसावरों में आ जाते हैं कबूतर, तो 14 पर से लेकर 24 पर तक होते हैं दोनों के अंदर कईयों पे, लेकिन जो मेन कबूतरबाजी होती है वो 52 पर की होती है। चलिए व्यूवर्स, ये हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है कबूतर की, 52 पर कि 52 पर कबूतर जो होता है काफी ज्यादा अच्छा, 20 पर एक बाजू में होना चाहिए, 20 पर उस बाजू में, और 12 पर जो उसके पूंछ में होना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं इमरान भाई की कलसरी जोड़ का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जोड़े ये कलसरी जोड़, जिसमें आप देख सकते हैं चमक, इसमें हरी चमक अलग ही नजर आ रही है। तो इसमें से नर कौन सा है, मादा कौन सा, थोड़ा सा डिफाइन कर। ये फीमेल है जी, और राइट हैंड में मेल है। ये मेल है, तो एक बार आप इनकी आंखों का शुरू करा दें हमें इमरान भाई। माशाल्लाह कबूतर उनमें से जो पहली नजर में कहते हैं ना कि पहली नजर में आपको भा जाए कबूतर, ये उनमें से कबूतर है। और ये देखिए आप माशाल्लाह इस कबूतर की आंख पे एक बार और करें माशाल्लाह। ये रामपुर के अंदर खैर सर्कल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा व्यूअर्स आपको भी कि सर्कल्स तो खैर मुझे भी देखने नहीं आते हैं, सही बताऊं तो मैं भी कोई कबूतरबाज नहीं हूं, मगर आप में से बहुत से लोग हैं माशाल्लाह इसको जानकारी है, तो आप देख कर बताएं, कमेंट करके बताएं इस कबूतर की आंख क्या कह रही है और किसमें की आंखें होगी, कबूतर किसमें का है इसका, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखिए आप ये कबूतर माशाल्लाह, एक बार इमरान भाई इस कबूतर का पूरा दिखाएं माशाल्लाह, क्योंकि खूबसूरती जो इस कबूतर के अंदर कूट कूट के भरी है, अल्लाह ताला नजर से बचाएं। देखें व्यूअर्स ये कबूतर हम, और अभी फिर आपसे एक बार मैं फिर पुनः निवेदन करना चाहूंगा, ये कबूतर सिर्फ शौक के लिए है, सेल के लिए नहीं है, सिर्फ आप लोग को शौक कराया जा रहा है हमारी स्पेशल डिमांड के ऊपर, जो इमरान भाई एग्री हुए। देखिए आप माशाल्लाह ये कबूतर का, ये 2 साल का कबूतर है, 2 साल का हो गया ये, और 2 साल से सिंगल पड़ा हुआ था ये कबूतर मेरे पास। अच्छा, 2 साल सिंगल पड़ा हुआ था, कोई फीमेल निकलती नहीं है और मेल ही मेल निकलते ज्यादातर, तो इस वजह से ये सिंगल थे मेरे पास। 2 भाई इसके पंजों का शौक कराए इमरान भाई एक बार आप, जिसको कहा जाता है बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि इस कबूतर को तो खासतौर से हम पोस्टमार्टम करके दिखाएं हमारे व्यूवर्स को, किस्में के कबूतर हैं ये माशाल्लाह, आप देखें सिया रंग के नाखून इनके काले, वो जिस तरह कहते हैं, जैसे हमारे उस्ताद आजम जो है हमने उनसे भी सुना है कि पंजे जो है रूखे होना चाहिए, और इसी तरह की क्वालिटी है इस कबूतर के पंजों में भी, आप देखें व्यूवर्स ये है उस मेल की फीमेल, आप देखें इसका क्या बाप चेंज कर रहा था जिसकी वजह से मुँह खुले में आ गई। अच्छा, ये मुँह खुले में आ गई है, ये ज्यादा रामपुरी कबूतर में ज्यादा आते हैं ये मुँह खुले हुए माशाल्लाह। देखें आप इसकी भी आँख देखें, आप बताइए कमेंट करके कैसे लगी आपको ये जोड़, माशाल्लाह आप देख सकते हैं इन जोड़ों के अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आ रही माशाल्लाह। इसमें भी वही रंग जो आ रहा है, ताऊजी रंग जो बताया था अभी इमरान भाई ने, किस तरह इसमें डेवलप किया गया है, तो इमरान भाई इसका परों का शुक्र करा दें आप एक बार। देखें फ्रेंड, जैसे कि इमरान भाई अक्सर कहा जाता है कि ये लाइन जो है परों की एक जैसी होना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए पर। अच्छा, क्रॉस करना चाहिए जी हाँ, ओके। हमें इसके पंजों का शोक करा दें हम, इसके भी देखिए माशाल्लाह एकदम रूखे सूखे जो कहते हैं ना पंजे, वो काले सिया नाखून है कबूतरी के भी, और आप देखें स्पेशली रिंग जरूर देख लें आप, अगर इस तरह का रिंग पहना हुआ कबूतर अगर आपके पास किसी के पास आता है तो इमरान भाई को जरूर बता दें, क्योंकि उनके दिल से लगे हुए कबूतर हैं जिस तरह। चलिए दोस्तों, हमने रिक्वेस्ट की थी इमरान भाई से उनके जो घर की लसरी जोड़ है, तो आज इमरान भाई वो जोड़ भी दिखाने को तैयार है, मतलब आप देखिए भोपाली लसरी जो कहलाते हैं, और इमरान भाई के काफ़ी दिल के करीब हैं ये कबूतर, आप देखें माशाल्लाह इनके साइज देखें व्यूअर साहब, माशाल्लाह इन कबूतरों के साइज देखें आप एक बार, आप हमें शौक करा दें इनकी आँखों का माशाल्लाह, कबूतर काफ़ी अच्छे हैं व्यूअर्स आप देखें। सबसे पहले तो आप इस कबूतर का साइज देखिए, इस साइज में होते हुए भी इस कबूतर 3-4 घंटे उड़ना बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, आप सोच सकते हैं कितनी जान रखता होगा कबूतर, जान लगा के उड़ता होगा। इसके पर देखें आप एक बार, ये पर देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे परगत है इस कबूतर की, और सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए पर कितने चौड़े हैं इस कबूतर के, और एक वाइब्रेशन है इसके अंदर जो कि हमने सुना है हमारे उस्तादों से कि कबूतर जिस कबूतर में वाइब्रेशन बाजू में रहती है वो कबूतर में परवाज वैसे ही कूट कूट के भरी होती है।
और एक और चीज़ बता दूंगा, ये जो नस्ल है ये उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब के घर की नस्ल है ये। उन्होंने कभी उनको दी होगी ये कबूतर, वहाँ तो उड़े नहीं, और किस्मत में मेरे लिखा था तो ये कबूतर लौट के। अच्छा, ये नस्ल भी आपके उस्ताद के घर की ही नस्ल है? अरे चलो, क्या बात है। अब देखिए, उस्ताद शागिर्दी का एक जो गहरा जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं घूम के फिर वहीं आ गया आपके पास। किसी कबूतर से भी उड़ने से वो जुड़े भी, जिनका कबूतर है वहीं पर आगे जुड़े हो। चलिए, इसकी आँख का शो करवा देंगे इमरान भैया। देखिए अभी बस, वैसे इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज हो गई 5 साल। अब 5 साल हो गई है। देखिए अभी बस, आप जो 5 साल के बाद भी कबूतर आज भी ब्रीडिंग के लिए तैयार है, जितने चाहे आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं। आई मीन टू से इमरान भाई करवा सकते हैं। मैं आपसे भी फिर कहूँगा एक बार कि ये कबूतर सिर्फ शौक के लिए है, सिर्फ स्पेशल डिमांड पर कबूतर दिखाए जा रहे हैं, तो ये कबूतर दिखाए नहीं जाते। देखें आप, वो शौक करें इन कबूतरों का, माशाल्लाह इसका साइज देखें आप व्यूअर्स। देखें व्यूअर्स, इसमें फीमेल, ये फीमेल भी आपके उस्ताद आगा अलीम साहब किधर की ही है? नहीं हजरत, ये उनकी नहीं है। ये एक पेयर मैंने बनाया था ऐसे ही, अपने आप जो बनता ना, मेरे बच्चे पढ़वाई जी जी, तो से उसके जो बच्चे निकले, एक हफ्ते पहली बार जो 5 बजे जो कबूतर उड़ा था जी, इसका सबसे बड़ा भाई था। अच्छा, जो 5 बजे बड़ा भाई जी, ठीक है। व्यूअर्स, आप ये जोड़ के बारे में बताएं, जोड़ कैसी है? और हमने स्पेशल डिमांड की इस जोड़ के लिए, तभी हमें ये जोड़ देखने में मिली, क्योंकि अक्सर इमरान भाई ये जोड़ कभी दिखाते नहीं है किसी को। देखिए इमरान भाई कहेंगे ये जोड़, उसके बारे में बताएं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक जानी पहचानी शख्सियत हैं इमरान भाई, आप तो बाखूबी जानते हैं भोपाल पिजन्स के उससे। तो चलिए, मैं फिर इमरान भाई से बात कर, चलिए दोस्तों हम अलविदा कहते हैं इमरान भाई को। इमरान भाई, काफ़ी अच्छा लगा, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, हमें थोड़ा सा मुख्तसर वक्त दिया हमें, और इतने अच्छे कबूतरों का शौक आपने हमें कराया। तो इमरान भाई, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें इतनी अवेयरनेस दी कबूतरों के बारे में और अपने जोड़ों का शौक कराया। अरे भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा जो आप इतने दूर से यहाँ पर आए, क्योंकि मेरा भी घर सिटी से करीब 15 से 20 किलोमीटर है। और जैसे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कहीं पर वीडियो बनाने जाना हो तो टाइम निकालना अलग होता है, उसके बाद वीडियो शूटिंग की टाइम बहुत मेहनत लगती है, और उससे ज़्यादा मेहनत होती है एडिटिंग पे, क्योंकि एडिटिंग जब करता है इंसान तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सिस्टम पे रखना पड़ता है, जो मोबाइल से करता है उस पर रखना पड़ता है। फिर जो रेंडरिंग होती है वो रात भर चलती है, और फिर अपलोडिंग के लिए फिर जैसी स्पीड हो मोबाइल की, अगर किसी के पास मोबाइल से अपलोड करना हो तो आजकल स्पीड का आप सबको पता है कोविड के अंदर क्या मेहनत चल रही है। तो आदिल भाई, शुक्रिया आपका कि आप आगे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसको नीचे बटन दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए, और घंटी का बटन जरूर दबाइए, और कॉल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।